आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मौज़ी सामीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के बरगजीदा नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए पूरी दुनिया को मुसख़्खर कर दिया था। आपको मशरिक से लेकर मगरिब तक रसाई अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया की हर चीज़ पर तकरीबन 750 साल तक हुकूमत की। आप अलैहिस्सलाम को तमाम जानदार की ज़बानों पर अबूर हासिल था। मौज़ी सामिन, हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और आपकी हयात मुबारका के ईमान अफरोज़ वाक़यात तफसील से बताएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के नबी थे और आपकी वालदा माजदा से मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तियाब हैं। इब्ने माजा में एक हदीस शरीफ है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक दफ़ा नसीहत फरमाई, ए मेरे बेटे, रात भर सोते ना रहा करो, इसलिए कि रात के आखिरी हिस्से की नींद गुजारना क़्यामत के दिन अमाल खैर से मोहताज बना देता है। मौज़ी सामिन, कुरान करीम की 7 सूरतों में 16 मकामात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया है। एक दफ़ा दो औरतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आईं। वाक़या ये था कि दोनों औरतें एक नौमुलूद बच्चे की दावेदार थीं। एक ने बताया कि हम दोनों के बेटे पैदा हुए थे। दूसरी औरत के बच्चे को भेड़िया ले गया और इस औरत ने मेरे बच्चे को ले लिया और ये अफवाह फैला दी कि भेड़िया मेरे बच्चे को ले गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्लाद से कहा कि तलवार से बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों औरतों को दे दो। ये बहुत ही तकलीफ़दा फ़ैसला था। ये सुनकर बच्चे की असल माँ तड़प उठी और कहने लगी, ये नहीं, ये बच्चा इस औरत का है, इसको ही दे दिया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने असली माँ को इसका बच्चा दे दिया। मौज़ी सामिन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी बेटे थे जो इक्तदार की ख्वाहिश रखते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक भाई जिसका नाम अबू सलूम, जिसका असर और सूख बहुत ज़्यादा था, इसने अपने ही बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। बगावत इस शिद्दत की थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यरूशलम छोड़ना पड़ा और बाप बेटी की जंग हो गई। अबू सलूम इसमें मारा गया। इस जंग के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दोबारा अलकुद्दूस तशरीफ़ ले आए। बेटों की लड़ाई झगड़ों की वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना तख्त नशीन बना दिया। सामईन, हुकूमत मिलने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी मगफरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी और को ऐसी बादशाही मुयस्सर ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ ज़हन के गलबे के लिए थी। अल्लाह तबारक व ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। आप अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह बन गए। दुनिया की हर चीज़ आपकी फरमा बरदार हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर लेती। चरिंद परिंद हर हुक्म की ताबेदारी करते। जिन्नात को भी आपके ताबे कर दिया गया था। सामीन मोहतरम, इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सईद बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हों से नकल फरमाया है कि तख्त सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थीं, जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और अहले ईमान जिन्नात बैठते थे। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो तख्त पर साया कर लें ताकि सूरज की गर्मी से आपको तकलीफ़ ना हो। हवा इस तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता पहुँचा देती। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी आपका ताबे बना दिया था। वो आप अलैहिस्सलाम के हर हुक्म की तामील करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक़ था तो जिन्नात आपके लिए बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाते और अगर कोई जिन्नात सरकशी करते तो इनको भी सज़ा दी जाती। सामिन मोहतरम, कुरान करीम की सूरत सबा में इरशाद बारी है कि कोई हमारे हुक्म से फिरेगा इसको हम आग का मज़ा चखाएंगे। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था, इसके हाथ में आग का असा होता
जो जिन आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी करता तो फरिश्ता इसको वो असा मारता जिससे वो जिन जलकर राख हो जाता। सूरत सबा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो मौजज़ात अता किए थे इनमें से एक मौजज़ा ये भी था कि तांबे के पिघलते हुए चश्मे थे, इनसे जिन्नात बड़ी बड़ी देगें तैयार करते थे और इससे जहाज़ भी बनाए गए थे। तो रात और जदीद तहकीकात से पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद इस मकाम पर रखी थी जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा नसब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ गया तो आप अलैहिस्सलाम ने यह काम सिर्फ़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। सामिन मोहतरम, चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इस इमारत को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वफात का वक्त करीब आया तो आपने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि जिन्नात को आपकी वफात की खबर ना हो ताकि इमारत की तकमील हो जाए, जिन्नात अपना काम पूरा कर लें। फिर आप अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल हुए और अपने असा से टेक लगाकर खड़े हो गए। जिन्नात अपने काम में मसरूफ रहे यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम का असा मुबारक दीमक ने खा लिया। सामिने मोहतरम, और आप अलैहिस्सलाम का जिस्मे मुबारक जो लाठी के सहारे पर था ज़मीन पर तशरीफ ले आया, तब जाकर जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात का मालूम हुआ। जिन्नात कहने लगे कि अफसोस, हम मालूम ना कर सके, काश हम भी इल्मे गैब रखते और इतने अरसे तक मेहनत और मशक्क़त में ना पड़ते जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ में मुफ्तला रहे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अम्बिया कराम रज़ियल्लाह अन्हो अजमाइन की ज़िंदगियों को सीख कर उन पर अमल करने वाला बना दे ताकि आखरत में फलाह और कामयाबी पा सकें।